हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बता दूँ स्टूडेंट्स कि आज लास्ट डेट है आपको बेटरमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सीट एक्सेप्टेंस वाला प्रोसेस अभी तक नहीं कंप्लीट किए होंगे तो वो जल्द से जल्द जो है आज के आज ही कंप्लीट कर लीजिए। आज जो उनकी लास्ट डेट है, 5 बजे से पहले आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस कर लेना है, 1000 रुपीज़ पे करना है। एंड नेक्स्ट कैप राउंड के लिए जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बेटरमेंट के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को 1000 रुपीज़ पे करके आज के आज 5 बजे से पहले जो है सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस कंप्लीट करना है। और जो भी स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो वो स्टूडेंट्स को कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो स्टूडेंट्स जो है कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। बट कोई स्टूडेंट्स अगर बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है एंड सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस उसने नहीं किया होगा तो वो जो है नेक्स्ट कैप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा एंड कैप राउंड 1 की भी जो सीट है उसकी चले जाएगी, तो उसका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा। तो जल्द से जल्द अगर अभी तक आपने सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए। तो हम बढ़ते अब आगे वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कैप राउंड 1 में जो है सभी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स को जो है कॉलेज अलॉट हुआ है एंड 90% स्टूडेंट जो है कैप राउंड 2 के लिए यानी कि बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब उसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा है कि बेटरमेंट में हम कौन से कॉलेज को टारगेट करें, कौन सी ब्रांच को टारगेट करें, हमें कौन से कॉलेज में हमें बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए, प्रिफरेंस कैसे सेट करना चाहिए, कैप राउंड 2 के ऑप्शन फॉर्म को हमको कैसे फिल करना चाहिए, ये सब जो है कॉमन डाउट्स आप सभी स्टूडेंट्स के मन में होंगे। तो ये सारे डाउट्स जो है मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ एंड आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बताने वाला हूँ कि आपको कैप राउंड 2 के लिए कैसे कॉलेजेस फिल करने हैं एंड कैसे आपको जो है बेटरमेंट हो सकता है कैप राउंड 2 में। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट पूरे 20 कॉलेजेस लिए, सारे के सारे बेस्ट कॉलेजेस लिए विद देयर कट ऑफ, जो इस साल का जो कट ऑफ है उसके साथ मैंने जो है सारे कॉलेजेस लिए ताकि आपको आइडिया मिले। समझो अभी आपको 95% है तो 95% पे यहाँ पे कितने सारे कॉलेजेस है आपको डिसाइड करने में जो है आपको आसानी हो जाए, इसलिए जो मैंने यहाँ पे सारे कट ऑफ भी इधर मेंशन किए। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी जो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला है सीओईपी जिसका कट ऑफ है 99.88126। यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ लिखे हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कट ऑफ है। तो सीओईपी में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे सीएस पाना। सेकेंड जो है पीआईसीटी, पीआईसीटी का भी कट ऑफ जो है 99.59 और उसका जो रैंक है 505। थर्ड नंबर पे हमारा जो कॉलेज है वो है वीआईटी पुणे जिसका कट ऑफ है 98.80 एंड उनका रैंक है 1644। देखो स्टूडेंट्स अभी आपको इसमें से कोई भी कॉलेज क्यों ना अलॉट हुआ हो तो आपको क्या करना है उसके ऊपर वाले कॉलेजेस में आपको आईटी सीएस या फिर ईएनटी, या तो फिर आप ये कर सकते हो कि आपको समझो डीवाई पाटिल अकूडी आपको अलॉट हो गया है और आपको ईएनटीसी ब्रांच मिल रही है तो आप डीवाई पाटिल अकूडी में ही ट्राई कीजिए कि आपको आईटी के लिए कैसे मिले, सीएस के लिए कैसे मिले। वो सेम कॉलेज में भी आप ब्रांच अपग्रेड करने के लिए सोच सकते हो या फिर जो आप कॉलेज अपग्रेड करने के लिए भी जो है बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए मैंने जो है सारे कॉलेजेस सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको दिए, कट ऑफ के अकॉर्डिंग सारे कॉलेजेस मैंने सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज किया है। आप इसका ऑर्डर जो है वो चेंज भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। समझो अगर आपको पीसीसीओई रावत में कॉलेज चाहिए नहीं है तो आप ये कॉलेज को इंक्लूड करो ही नहीं। सेकेंड कैप राउंड ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में आपको ऐसे रीजन के कॉलेज डालना ही नहीं है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना ही नहीं है। देखो सेकेंड कैप राउंड का जो अलॉटमेंट होने वाला है वो फाइनल अलॉटमेंट होने वाला है, उसके बाद आपके कोई कैप राउंड नहीं होने वाले, उसके बाद डायरेक्ट स्पॉट राउंड होने वाले एंड स्पॉट राउंड जो है 50-50 चांसेस होते हैं। अगर आपका एडमिशन हो गया तो हो गया, वरना आपका एक साल का जो है ड्रॉप लग जाएगा। तो ट्राई कीजिए कि कैप राउंड 2 में जो है आपको बेटरमेंट हो जाए एंड कैप राउंड 2 का फाइनल अलॉटमेंट में आप अपना एडमिशन ले लीजिए। नेक्स्ट जो है पीसीसीओई का जो कट ऑफ गया है 98.30 एंड उसका रैंक जो है 2405 गया है। नेक्स्ट जो कॉलेज है हमारा वीआईटी पुणे उसका कट ऑफ है 97.63% एंड उसका जो रैंक गया है वो 3446 गया है। इसमें अगर आपको वीआईटी में अगर आपको आईटी मिल रहा है तो आप ट्राई कीजिए पीसीसीओई में ईएनटीसी आईटी सीएस के लिए ट्राई कीजिए। इसके ऊपर वाले कॉलेजेस के लिए आप ऐसे ट्राई कीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए ऑप्शन फॉर्म 2 के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है पीवीजी, पीवीजी का जो कट ऑफ है 97.56% एंड उसका जो रैंक है 3576। वैसी नेक्स्ट कॉलेज है हमारा 7 नंबर पे वो है पीसीसीओई रावत कॉलेज 95.99 अराउंड ये 96% आपका और रैंक जो है 6008। 8 नंबर पे जो हमारा कॉलेज है वो एमआईटी आलंदी इसका जो कट ऑफ है 95.92
एंड इसका जो रैंक है 6734। देखो स्टूडेंट्स कैपराउंड टू में जो है कट ऑफ डिक्रीज होते हैं ऑलमोस्ट, जो है यहाँ पे जो टॉप कॉलेजेस के वहां पे इतना हैवी डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलेगा आप सभी स्टूडेंट्स को, वहां पे सिर्फ 1 परसेंटाइल का ही जो है ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस आएगा, लेकिन जो लोअर कॉलेजेस है वहां पे 3 से 4 परसेंटाइल तक का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा आपको, जहाँ पे 60 परसेंटाइल है 70 परसेंटाइल है इस रेंज के बीच में जो कॉलेजेस है वहां पे जो आपको 3 से 4 परसेंटाइल का डिफरेंस देखने को मिलेगा कैपराउंड वन एंड कैपराउंड टू के कट ऑफ में। बट ये जो टॉप के जो कॉलेजेस है यहाँ पे आप इतना हाई रेंज डिफरेंस जो है देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट नियरली जो है आपको सिर्फ 1 परसेंटाइल का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा कैपराउंड टू में। नेक्स्ट जो है हमारा AISSM का कट ऑफ है 95.29 एंड इसका रैंक है जो 7106। नेक्स्ट जो है 10 नंबर पे डीवाई पाटिल अकूडी 95.28 एंड इसका रैंक जो है 7125। ये जो रैंक है ये आपका लेटेस्ट ईयर का 2021 का। अगर समझो आपको डीवाई पाटिल अकूडी में ENTC मिल रहा है तो आप AISSM में ट्राई कीजिए IT के लिए, CS के लिए एंड ENTC के लिए, या तो फिर आप सेम कर सकते हो कि डीवाई पाटिल में आपको IT एंड CS कैसे मिले। अगर समझो आप इधर कट ऑफ अगर मैच नहीं हो रहा है आपका तो इधर जो नेक्स्ट कॉलेज है इसमें जो है आपको CS और IT तो इजीली मिल ही जाएगा। यहाँ पे जो है डाउन कॉलेजेस में आपका अगर परसेंटाइल मैच हो रहा है तो आपका इजीली जो है इधर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 20 कॉलेजेस लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपका जो कट ऑफ जो है, अगर आपका रैंक जो है इसमें मैच हो रहा है तो आपका जो है इस 20 कॉलेजेस में डेफिनेटली CS IT में तो डेफिनेटली आपका एडमिशन होना ही होना है। नेक्स्ट जो है हमारा कॉलेज है JSPM ताटवाड़े, इसका परसेंटाइल है 95.11 एंड इसका जो कट ऑफ है 7417। नेक्स्ट जो 12 नंबर पे हमारा कॉलेज है वो AISSM IoT। ये जो AISSM है ये दूसरा कॉलेज है एंड ये दूसरा कॉलेज है, ये IoT इंफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी वाला कॉलेज है जिसका कट ऑफ है 93.96, ऑलमोस्ट 94 परसेंटाइल वाला कॉलेज है ये। इसका कट ऑफ जो है रैंक जो गया है 9231। नेक्स्ट जो 13 नंबर पे हमारा कॉलेज है वो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न कॉलेज जिसका कट ऑफ है 93.49 और इसका जो रैंक गया है 9874। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कॉलेज में एंड ये मॉडर्न कॉलेज में जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मॉडर्न कॉलेज जो है वो डिफरेंट है एंड ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी रहेगा नाम कॉलेज नेम से पहले, यहाँ पे डायरेक्ट मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रहेगा जिसका कट ऑफ है 90.28। देखो कट ऑफ में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट जो कॉलेज है हमारा डीवाई पाटिल पिंपरी, अभी डीवाई पाटिल पिंपरी ये वो कॉलेज है जहाँ पे देखो डीवाई पाटिल यूनिटेक सोसाइटी आपको ऐसे देखने को मिलेगा, वो कॉलेज है डीवाई पाटिल पिंपरी का जो कट ऑफ है 93.48 परसेंटाइल कट ऑफ है। नेक्स्ट जो कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ लवाले जिसका कट ऑफ है 93.57 परसेंटाइल एंड कट ऑफ एंड रैंक जो है 9791। 16 नंबर पे हमारा कॉलेज है मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इसका कट ऑफ है 92.62 परसेंटाइल एंड इनका क्लोजिंग रैंक जो गया है वो 11203। नेक्स्ट जो है डीवाई पाटिल मैनेजमेंट अकूडी, अब देखो अकूडी में भी जो है डीवाई पाटिल के दो कॉलेज है, एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है एंड एक मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, तो इसका जो कट ऑफ है वो 92.33 गया है एंड अकूडी का जो दूसरा कॉलेज था उसका था कट ऑफ 95.28, तो इतना डिफरेंस है। तो अभी ये कॉलेज के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है डीवाई पाटिल के लिए अप्लाई कीजिए, नेक्स्ट उसके बाद ये प्रिफरेंस में आप जो है कॉलेज सेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है सियनगढ़ वडगांव जिसका कट ऑफ है 92.17 एंड इसका रैंक जो गया है 11969। नेक्स्ट जो है मॉडर्न कॉलेज जिसका कट ऑफ है 90.28 एंड इसका रैंक जो है 14804। नेक्स्ट जो लास्ट कॉलेज है GS रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट वागोली का कॉलेज है एंड जिसका कट ऑफ है 88.98 एंड 16786 जो है इसका रैंक है। तो ये 20 कॉलेजेस है आपका, अगर इसमें अगर आपका रैंक मैच हो रहा है तो ये 20 कॉलेजेस आपका इजीली जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर IT जो है आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपका इसमें कट ऑफ मैच भी नहीं हो रहा है, अगर समझो आपका 20,000 तक का रैंक है तभी भी आपको जो है ये सारे कॉलेजेस अगर आप ऑप्शन फॉर्म में फिल करते हो तो आपको जो है इजीली जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर IT जो है मिल जाएगी, क्योंकि सेकेंड कैप राउंड में जो है कट ऑफ डिक्रीज होने ही वाले। तो होप्स आपको जो ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, वीडियो यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।